हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो मेरा वीडियो है शिक्षकों से संबंधित है। जो लोग शिक्षक है या शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब ये 75 की उम्र तक पढ़ा सकेंगे। देखिए, ये न्यूज़पेपर में आया है कि अब 75 की उम्र तक पढ़ा सकेंगे शिक्षक। केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में अहम पहल। सभी अभी 60 तक है सेवानिवृत्ति की आयु। 11 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को पेशे पर प्रशिक्षण देंगे। 15 सितंबर तक खुद का पंजीकरण करना होगा। केंद्र सरकार शिक्षकों को एक अहम तोहफा देने जा रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अब शारीरिक रूप से सक्षम शिक्षक 75 साल की उम्र तक अध्यापन कार्य कर सकेंगे। अभी तक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष है। देश में शिक्षक की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा में केंद्र सरकार की यह अहम पहल मानी जा रही है। केंद्र सरकार इस फैसले से देश के लाखों शिक्षकों को फायदा होगा। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर में 11 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को पेशेवर प्रशिक्षण देने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। शिक्षकों को 15 सितंबर तक NIOS ओपन स्कूल की वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करना है। मंत्रालय ने कहा है कि जिन शिक्षकों ने 12वीं की पढ़ाई पूरी नहीं की है या जिनके 12वीं में 50% से कम अंक है, उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता के अलावा दोबारा इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास करनी होगी। बता दें कि 11 लाख सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों में से 7 लाख निजी स्कूल में है, जबकि 2.5 लाख सरकारी स्कूलों में है। सरकारी स्कूलों में 1.5 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा 1 साल का बाकी है, चूके तो मौका नहीं। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि यह प्रशिक्षण का आखिरी मौका है। यदि इस बार चूक गया तो फिर शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं पेशेवर योग्यता हासिल करना जरूरी है। सेवारत शिक्षकों को 2015 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना था, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं उनके लिए यह थोड़ी राहत है। चैनल के जरिए इसमें प्रशिक्षण हो रहा है और प्रशिक्षित शिक्षकों को मंत्रालय ने स्वयं पोर्टल एवं DTS चैनल स्वयं प्रभा के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें NIDL8 कोर्स कराया जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक ऐसे भी है जो 12वीं पास नहीं है या 12वीं में 50% से कम अंक है, जबकि 2010 से पूर्व शिक्षक बनने के लिए 12वीं में 50% अंक लाने होते हैं। ऐसे शिक्षकों को कहा गया है कि वे ओपन स्कूल से दोबारा 12वीं पास करें। धन्यवाद।